बोरीवली पश्चिम रेलवे स्टेशन के सामने भाजपा ने आंदोलन किया। इस आंदोलन में विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर, विधायक सुनील राणे, विधायिका मनीषा चौधरी आदि नेतागण उपस्थित थे। साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ता भी शामिल थे। नेताओं का कहना है कि जिन लोगों को दोनों वैक्सीन लग चुकी है उन्हें ट्रेन से आने जाने की सुविधा दी जाए। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। किस तरीके से आंदोलन है? हमारी सीधी साधी मांग है, जिनके दो लसीकरण के डोज हुए है उनको रेलवे से प्रवास करने की मुभा दे, क्योंकि आर्थिक दृष्टिया आज सर्वसामान्य आदमी प्रवासी बेजार हो गया है, क्योंकि जॉब पे नहीं जा सकता है, काम धंधा बंद है, बस से जाना तो 3 घंटा लगता है, टैक्सी करेगा तो 500 से 700-800 रुपये लगता है, तो कहाँ से लाएगा? अगर लसीकरण हुआ है तो उनको अलाउड करने की जरूरत है ना, नियोजन करो प्रॉपर। यही हमारी सीधी साधी मांग है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन खड़ा किया।